भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, हमारी पूर्व उप मुख्यमंत्री, इनको हम लोग प्रेम से दीदिया कहते हैं और आज भी मैं इनको दीदिया ही कहूँगा, वरिष्ठ नेता सम्राट जी, हमारे जनक सिंह जी, जनक राम जी, हमारे मीडिया के बाकी प्रभारी, रेणु दीदी को हमने इसलिए दीदिया कहा कि हम लोग उनको आरंभ से ही दीदिया कहते हैं। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। तो नीतीश जी, आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल, आप हमारे साथ कैसे और क्यों आए थे? आपको याद है, आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे, याद है ना? आपने समता पार्टी बनाई थी, तो भाजपा के साथ आने की आपकी वो पहली यात्रा थी। और आज जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो आपको मैं विनता से बताऊं, उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने पीक पर था। उसके बाद आप भाजपा के साथ रहे क्योंकि जंगल राज, लूट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ आपने अपनी आवाज भाजपा के साथ लगाई। हम लोग चारा घोटाले में लड़ रहे थे, मैं वकील था, सुशील मोदी पेटिशनर थे, बाद में ललन सिंह भी आए थे। यह आपके हमारे साथ आने की शुरुआत है। आप 96 में साथ थे, 98 में साथ थे, रेल मंत्री बने, 2000 में आपको भाजपा ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि बहुमत नहीं निकल सका, आपको भाजपा ने दोबारा केंद्र में फिर मंत्री बनाया, कृषि मंत्री। उसके बाद आज नीतीश कुमार जी, आपको यह स्मरण देना जरूरी है कि आपकी पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर परेशानी थी। और 2005 के चुनाव में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज यहां सभी उपस्थित थे और हम लोगों ने निर्णय किया कि बूटा सिंह ने जो डिसमिस किया था और जो पहला चुनाव हुआ था उसको जीतना है तो बिहार में नेता चाहिए। और हम लोगों ने आपके लिए बहुत आग्रह किया, दबाव दिया। और आज नीतीश जी, मुझे आपको याद कराना पड़ेगा कि जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे नेता भी हम लोग के इस दबाव से बहुत सहज नहीं थे। आज आपको याद दिलाना जरूरी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाजपा ने आपकी पार्टी को तोड़ने का कारण किया। आप हमारे साथ थे, भाजपा जदयू की सरकार ने अच्छा काम किया। आप 13 में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण चले गए, 14 में आप बुरी तरह से हार गए, फिर आप लालू जी के साथ चले गए 15 में और आप फिर मुख्यमंत्री बने। आपसे नीतीश कुमार जी, आज भाजपा एक दूसरा सवाल पूछ रही है। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे? यह आपने खुलकर कहा कि इतने गंभीर आरोप लगे, यहां सुशील मोदी ने लगाए थे, चर्चा में आए थे, तो आपने कहा उसका जवाब नहीं आ रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सवाल पूछा था। रेलवे मंत्री रहते एक होटल ट्रांसफर हुआ था रांची में रेलवे का, और पटना में कुछ मॉल बनने की बात थी, उसको लेकर काफी सवाल उठे थे। रेलवे में भर्ती को लेकर सवाल उठे थे, नौकरी के बदले जमीन को लेकर सवाल उठे थे। और नीतीश जी, आप कृपया करके अपने पुराने टीवी के कमेंट को याद करिए,
आपने कहा था इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। और तेजस्वी जी ने बार बार कहा यह जवाब मैं अपने वकील से पूछ के दूंगा। उसके बाद फिर आप हमारे साथ आए। हमने कहा अच्छी बात है, हमारे पुराने साथी हैं आप आ गए। फिर आपने 19 का लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ा। बीजेपी ने जो 14 में बिहार में निर्णायक जीत प्राप्त की थी, उसने अपने बहुत से सिटिंग एमपीज का टिकट काटा ताकि आपको एनडीए में और टिकट मिल सके। और आज के दिन मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने उन अपने सारे सांसदों का अभिनंदन करूंगा जो 14 में सिटिंग एमपी थे, जिनका 19 में टिकट हमने काटा ताकि अधिक लोगों को जदयू के टिकट मिल सके। जनक जी भी बैठे हैं यहाँ पर, ठीक ही कहा आपने, गोपालगंज से सांसद हो हैं, बताइए। तो उस समय ठीक थी भाजपा, नरेंद्र मोदी तो उस समय प्रधानमंत्री थे ना। तो नीतीश कुमार जी आपसे मेरा तीसरा सवाल यह है कि 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में, आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 16, 14 में संख्या भी कितनी थी 2, तो आप 2 से 16 हो गए, अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए, किसके नाम पर जीते, नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब जरा उसके आगे चलते हैं, 20 की विधानसभा का चुनाव था। नीतीश जी क्या सच्चाई नहीं है कि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जितना सघन प्रचार किया उसके कारण एनडीए की साख बन पाई? आज आपको मैं विनम्रता से स्मरण देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि फर्स्ट फेज का चुनाव फुलवारी से लेकर यूपी के बॉर्डर तक हुआ था, एनडीए को कितनी सीट मिली थी याद करिए, पटना शहर के सारे विधानसभा हम लोग जीत पाए, बाकी फुलवारी दानापुर सब हारते गए, जिसमें आरा और उनका हमारे एक दो सीट और मिली हम लोग बड़ा। उसके बाद मोदी जी ने दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में, पांचवें फेज में सघन प्रचार किया। जंगल राज के दो युवराज आए, याद है ना आपको नीतीश जी, कि भूल गए आप? और जब प्रधानमंत्री जी ने सघन प्रचार करना शुरू किया तो बिहार की हवा बदलती रही बदलती रही। दूसरे फेज में एनडीए को अधिक सीटें मिली, तीसरे में और अधिक मिली, और चौथे पांचवे में हम स्वीप कर गए। अब आपको 43 आया तो आप खाली दूसरे पर ब्लेम करते हैं, कभी अपने अंदर भी तो देखना चाहिए कि 43 क्यों आ गया जदयू, कहीं बिहार के जनता कुछ असहज तो नहीं हो रही थी? हमारा स्पष्ट मानना है कि वो जीत नरेंद्र मोदी के प्रयास और उनके व्यक्तित्व के कारण जनता जी ने, जनता ने विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार चलानी है बिहार के विकास के लिए। और चौथी बात माननीय नीतीश कुमार जी आपसे हमें कहनी है, आज आपने बहुत हम पर आरोप लगाया है तो आज हम तो आरोप नहीं लगाएंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे। आज आपको 43 सीट मिली, भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी, फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और बड़ी पार्टी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया। यह सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी, बताइए तो आप मुझे, तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे?
आराम से साथ रहे, 19 का लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपको 17 में लगा था कि बिहार की जनता हमसे असहज है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ मैंने रिश्ता बनाया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपकी अंतरात्मा जागी, आप फिर हमारे साथ चले आए, हमने आपका स्वागत किया। आज आप बिहार को उसी अंधकार में, उसी भ्रष्टाचार में, उसी बदहाली में और उसी अपराध के बढ़ते हुए खौफ में क्यों ढकेल रहे हैं? नीतीश जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आज आप तीसरी बार अपनी अगुवाई में बिहार की जनता को पुनः क्यों खौफ, अनिश्चितता, बदहाली, भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल रहे हैं? क्या कारण है इसका? यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की जदयू को, और अगर यही बात थी तो पहले आप कर देते। हम तो किसी का नाम नहीं लेते और आज भी नहीं लेंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी के अंदर घात प्रतिघात नहीं चलता है क्या? तो आपके अंदर की बात है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज नैतिकता का क्या तकाजा है नीतीश कुमार जी, ये आपसे हम सवाल जरूर जानना चाहेंगे। इसलिए आज बहुत भारी हृदय से मुझे पूरे 94-95 के पूरे इतिहास को बताना पड़ा कि किस तरह वो हमारे साथ आए, कैसे रहे और भाजपा ने उनको आगे बढ़ाने में क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लालकृष्ण आडवाणी और क्या नरेंद्र मोदी, इन सबों ने और पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको हाथों हाथ उठाया और आज आप क्या कह रहे हैं? ये बहुत पीड़ादायक है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोकसभा जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर विधानसभा जीतेंगे और बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे तो बिहार की जनता जवाब देगी। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, कुछ आपको ऐड करना हो तो।